चांद तारों के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने ना सिर्फ ये सपना देखा बल्कि उसे सच भी किया। सुशांत ने साल 2018 में चांद का एक टुकड़ा खरीद कर अपने नाम कर लिया। सुशांत की ये जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदा था। इतना ही नहीं, चांद के इस टुकड़े का दीदार करने के लिए सुशांत ने 55 लाख का एक खास टेलीस्कोप 14 LX00 भी खरीदा था। अगर आप भी सुशांत की तरह चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आपका ये सपना सच हो सकता है, और वो भी बहुत ही कम कीमत में। चांद पर जमीन खरीदने के लिए आपको भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट lunarregistry.com पर जाना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको चांद के कई एरिया के नाम बताए जाएंगे, जैसे कि वे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपोर्स, सी ऑफ क्लाउड्स। इनमें से जिस भी एरिया में आपको जमीन खरीदनी है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर जमीन खरीदने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांद पर जमीन की कीमत इतनी कम है कि इसे सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, चांद पर एक एकड़ जमीन खरीदने के लिए आपको $34.25 की कीमत चुकानी होगी, यानी कि सिर्फ ₹2,568। लेकिन हम आपको बता दें कि चांद पर आप जमीन तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप ना ही वहां रह सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार आप उस जमीन पर अपना मालिकाना हक भी नहीं जता सकते। इसकी वजह है साल 1967 में 110 देशों द्वारा साइन किया गया एक समझौता, द आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसके मुताबिक चांद और तारे समेत अंतरिक्ष की दूसरी चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। इसके साथ ही चांद पर जमीन खरीदना और उस पर अपना दावा करना गैर कानूनी भी है। द आउटर स्पेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने वाले इन 110 देशों में भारत भी शामिल था। इसीलिए चांद पर जमीन खरीदने के बावजूद कोई भी इस पर अपना दावा नहीं कर सकता। ये सिर्फ खुद को खुश करने के लिए होता है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।